अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोबा सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबा सलीम 2.0। आज मैं मौजूद हूँ ब्लॉक 6 की ज़मीन पे और आज मैं बात करूँगा ब्लॉक 6 के हवाले से। और ब्लॉक 6 में इस वक्त जो है सेवरेज का काम चालू है और सेवरेज का काम तकरीबन हो गया है और ऐसे आई थिंक काफ़ी टाइम लगने वाला है गैस को। मैं इस वक्त अगर देखूँ ज़मीन की जो कंडीशन जो है इस जगह की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत बाकी के ब्लॉक्स की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तामीरात की तो तकरीबन एक मस्जिद जो है वो बन चुकी है। और तो चलें फिर जल्दी से वहाँ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ मालूमात वहाँ से ली जाएँ। मैं दिखी है ब्लॉक 6 की, जो कि बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है, वो इस चीज़ को भी सही करते जाएंगे। तो अभी हम ईदगाह की जाने जा रहे हैं, उसके अलावा एक और मस्जिद गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोबा सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबा सलीम 2.0। आज मैं मौजूद हूँ ब्लॉक 6 की ज़मीन पे और आज मैं बात करूँगा ब्लॉक 6 के हवाले से और थोड़ा सा हम ड्रोन शॉट्स वगैरह भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो बगैर वगैरह के वीडियो को करेंगे स्टार्ट और मिलते हैं आपसे छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लॉक 6 जो है वो इस वक्त रेडी हो चुका है पोजीशन के लिए और दिस इज़ वेरी क्वाइट के बहुत ही खुशाइन बात है ये। ब्लॉक 6 में इस वक्त जो है सेवरेज का काम चालू है और सेवरेज का काम तकरीबन हो गया है। और उसके अलावा पानी की बात करें, बिजली, पानी, गैस, तो ये बुनियादी सहूलियात के लिए भी काम जारी है। मैं भी बताऊँ, पानी जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्डर दे रहे हैं और बिजली भी जो है वो बिल्डर देंगे, जो कि सोलर की मदद से दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें गैस वगैरह के हवाले से, तो गैस के लिए अप्रूवल दी गई है, गैस के जो पे ऑर्डर हैं वो भर दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है करंटली पूरे पाकिस्तान में गैस जो है नायाब हुई हुई है, जिसकी वजह से आई थिंक काफ़ी टाइम लगने वाला है गैस को। मैं इस वक्त अगर देखूँ ज़मीन की जो कंडीशन है उसके हवाले से, इस वक्त डिमार्किंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। 70 फीट का जो रोड है उसको और वाइड करने की कोशिश की जा रही है और जो सोसाइटी रोड है वो 40 से 30 फीट के दरमियान रहने वाला है, जो कि गलियों का स्ट्रीट रोड है वो 40 से 30 फीट के दरमियान रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके डेवलपमेंट चार्जेस की, तो बिल्डर ने बिल्कुल डेवलपमेंट चार्जेस का कह दिया है और डेवलपमेंट चार्जेस जो है जो कि 5 लाख रुपये कहे हैं बिल्डर ने। और मैं अगर आप लोगों के लिए बात करूँ इस वक्त, तो एक खसूसी डिस्काउंट ऑफ़र आ रही है बिल्डर ऑफिस की जानिब से डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। और ये डिस्काउंट ऑफ़र ये है कि अगर आप लोग अभी और इसी वक्त डेवलपमेंट चार्जेस पेड करते हैं तो 3.5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफ़र मैं आप लोगों को कैरी करवा सकता हूँ। दिस इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट और 3.5 लाख रुपए आपको टोटल पेड करने होंगे, वरना 5 लाख रुपए इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो बिल्डर ऑफिस ने मांगे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो आप लोग फौरन ही पोजीशन ले सकते हैं और पोजीशन का जो भी दौरानिया है वो यूँ है कि आप आज बाय करें और कल ले लें। अच्छा, यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की हम बात करें तो करेंटली जो इस जगह की वैल्यू है वो अप्रॉक्स आपको 10.5-11 में प्लॉट मिल जाएगा। ईस्ट ओपन कॉर्नर भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, और अगर वेस्ट ओपन की बात करें तो तकरीबन 12.5-13 में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, और अंदर के नंबर जो है 11.5-11 में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ब्लॉक 6 की, तो करंटली जो वैल्यू है उसकी तकरीबन 11-11.5 लाख रुपये है। ईस्ट ओपन अगर आप लोग लेते हैं तो 10.5-11 में भी मिल जाएगा, और वेस्ट ओपन जो है 11.5-12 के दरमियान आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा इधर कमर्शियल्स और वेस्ट ओपन प्लॉट भी हैं, जो कि क्या कहते हैं मुख्तलिफ रेटों में मौजूद हैं, कॉर्नर भी हैं। मैं अगर बात करूं इस जगह के बारे में, तो इधर का इस जगह पे जो है इस जगह की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत बाकी के ब्लॉक्स की। तो ये जो ब्लॉक है बेसिकली ये मुराद मेमन गोट के अंदर आता है, जो कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ही है। बेसिकली वो भी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है, बट ये मुराद मेमन गोट के अंदर आता है और इसका दे जो है मुराद मेमन गोट है। और
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तामीरात की, तो तकरीबन एक मस्जिद जो है वो बन चुकी है। और अगर आप मेरे अकब में देख सकें, या मेरे अकब में अगर आप लोग देख सकें, तो एक बिल्डर ऑफिस जो कि FDC हाउस के नाम से। तो चलें फिर जल्दी से वहाँ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ मालूमात वहाँ से ली जाएँ। तो अभी हमने कंफर्मेशन लिए और अभी हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि ईदगाह भी हमें दिखी है ब्लॉक 6 की, जो कि बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है। और देखें अभी वैसे तो ओवरऑल जो है यहाँ पे कच्चे का इलाका है, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्तों में डेफिनेटली यहाँ पे जो है चीज़ें जैसे जैसे आबाद होती जाएंगी, वैसे वैसे यहाँ पे लोग जो है वो इस चीज़ को भी सही करते जाएंगे। तो अभी हम ईदगाह की जाने जा रहे हैं, उसके अलावा एक और मस्जिद जो बन रही है जिसकी तामीर की बुनियाद जो है वो रख दी गई है, हम लोग उधर भी जा रहे हैं। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ब्लॉक 6 की ईदगाह के अंदर, और ईदगाह की जो बाउंड्री है वो रख दी गई है। तो ये फातिमा ड्रीम सिटी ब्लॉक 6 का जो है ईदगाह है, और मैं भी पैनिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए सारे लोग भाई लोग काम कर रहे हैं, और ये जितनी बाउंड्री है ये ईदगाह की बाउंड्री है। और यस आप लोग देख सकते हैं ये टोटली ईदगाह है, मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को तो ये ईदगाह की बाउंड्री है। हाँ, और इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाने चाह रहा हूँ कि चलें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग देख सके सामने यस सूरज आ रहा है, जो सामने है ये एक मस्जिद है जो कि ब्लॉक 6 की एक मस्जिद है। और उसके अलावा एक जो मस्जिद है उसकी बाबा ने यहाँ पे बुनियाद रखी है, ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। ये देखें आप, इसकी भी प्रॉपर बुनियाद रख दी गई है। ओके गाइस, तो अभी जनरेटर का शोर आ रहा होगा, आप लोग बर्दाश्त कर सकें लेकिन कर लिएगा थोड़ा सा। मैं अभी जिस बाउंड्री के अंदर जा रहा हूँ वो बेसिकली इस मिसाल को बड़ा क्या कहते हैं सच्चा साबित करेगी कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो बाबू भाई ने जो है अपना एक फार्म हाउस, जी बाबू भाई ने एक अपना फार्म हाउस जो है वो ब्लॉक 6 के अंदर बनाया है। और अभी तो इसकी ग्रे स्ट्रक्चर ग्रे वॉलिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं पूरी बाउंड्री जी। ये पूरा जो है ये बाबू भाई का फार्म हाउस है जिसमें बाबू भाई इन फ्यूचर जो भी एक्टिविटी है वो करेंगे, और माशाल्लाह से ये खुशाइन बात है। तो ये एक अपडेट थी ब्लॉक 6 के हवाले से। सो अभी क्या कहते हैं बस मुझे इतने इजाज़त, और इसी उम्मीद के साथ कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉक 6 में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पर चल ही रहा है और कुछ बच ही रहा है। तो मुझे इतने इजाज़त, मैं हूँ मुबसरी, अल्लाह हाफ़िज़।